हैं। नईम हनीफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नईम हनीफ साहब, मियां असलम इकबाल जुआखाना चलाने वाले अपने भाइयों के सरपरस्त बने हुए हैं और जब छापा मारा गया अड्डे पर तो अफसर को मुअत्तल कर दिया। ये असल चेहरा है मियां असलम इकबाल का, ये असल चेहरा है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का, ये असल चेहरा है चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का। और मियां असलम इकबाल सिर्फ अपने भाइयों के जुए खाने की सरपरस्ती नहीं करते, ये सबूत नहीं आए सिर्फ हमारे पास, ये भी बताता चलूं कि मियां असलम इकबाल सियासत में आने से कबल खुद भी यही काम करते थे। लाहौर के बदनाम जमाना बुकी मिर्जा याकूब के जुए खाने पर मुलाजम थे मियां असलम इकबाल, जिनको सीनियर वजीर बनाया हुआ है इस वक्त इमरान खान ने, चेयरमैन पीटीआई ने, और पंजाब उनके हवाले किया हुआ है, डिफेक्टो वजीर आला है। यहाँ पर वो जो है लोगों पे हमले कर रहे हैं, इंतकामी कार्रवाइयां कर रहे हैं, लोगों पे झूठे मुकदमे बना रहे हैं। वो मिर्जा याकूब के जुए खाने पर पेंसिलर थे, नौकरी करते थे, उसके बाद वो अपने ही भाई बिल्लू की जुए खाने पर मुलाजम रहे। मियां असलम इकबाल ने खुद भी हमेशा यही काम किया। और ये जो वाकया है इसमें इनके भाई के जुए खाने पर जब रेड किया एसएचओ समनाबाद ने, जो हमारे पास इतलात आई है, और जब उनके भाई को गिरफ्तार करके ले आया तमाम कर साजो सामान के साथ, तो दो भाई छुड़वाने के लिए आए, उन्होंने हंगामा किया, गुंडागर्दी की, बदमाशी की। जब उन्हें हवाला में बंद किया तो सीसीपी और लाहौर जो है वो आए पूरे सीन के अंदर, और मियां असलम इकबाल के दबाव पर ना सिर्फ उनके भाइयों को वहां से छुड़वाया बल्कि एसएचओ जो है शेख वकास उनको मुअत्तल कर दिया। ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब में हुकूमत का असल चेहरा, ये है आईन की पासदारी, ये है कानून की पासदारी, ये है कानून की पासदारी। नहीं, साहब साफ ही रहिएगा।